एक छोटे से गांव में जयराज और मालनी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके दो बच्चे भी थे, चिन्नू और बन्नू। जयराज हर रोज खेती करने के लिए निकलता था। जयराज उनके दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़कर एक अच्छी काम ढूंढने के लिए बोलते थे। इसीलिए जयराज और मालिनी खेत में बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उन दोनों की तबीयत बिगड़ती जाती गई। वो दोनों कुछ भी काम नहीं कर पाते थे। एक दिन जब चिन्नू और बन्नू स्कूल से वापस आने लगे, तभी उनको एक लंगड़ी गाय दिखाई दी। उसके शरीर पर काफी चोट भी है। वो गाय दर्द से तड़प रही थी। उस गाय को चिन्नू और बन्नू घर लेके गए। तभी जयराज ने पूछा, अरे ये क्या है बन्नू, ये आपने गाय को क्यों उठा कर लेके आए? पापा, ये गाय लंगड़ी है। हमें लगता है कि ये गाय गर्भवती भी है। अरे हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ये गाय गर्भवती भी है और बुरी तरह घायल भी है। उस दिन से जयराज और मालिनी उस गाय की देखभाल करने लगे। उसको एक नाम भी रखा, लक्ष्मी। लक्ष्मी गर्भवती होने के कारण जयराज ने उसको बहुत अच्छा घास और खाना देने लगा। कुछ ही दिन में लक्ष्मी अच्छी हो गई और उसने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दी। वह देखने में बहुत सुंदर थी। ये बात गांव में फैल गया। तभी लक्ष्मी का असली मालिक, जो उसे हर दिन मारता था, उसको ये बात पता चल गया। तभी उसने जयराज के पास आया और ऐसा बोला, अरे वो जयराज, ये गाय मेरा है, अभी मेरा गाय मुझे दे दो, अगर चाहिए तो उसके बच्चे को तुम रख लो। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमने लक्ष्मी को घायल स्थिति से अच्छा बनाया, उसका देखभाल भी किया, ये नहीं हो सकता है। तभी मालिनी ने ऐसा बोला। मालिक मालिनी की बात सुनकर वहां से चला गया। लेकिन उसी रात को जब सभी सो रहे थे, मालिक आकर लक्ष्मी को, जो रस्सी से बंधी हुई और सो रही थी, उस रस्सी को निकालकर लेके जा रहा था। तभी लक्ष्मी ने जोर जोर से चिल्लाने लगी। लक्ष्मी की चीखने की आवाज सुनकर जयराज घर से बाहर आया। उसके पीछे ही मालिनी और उनके दोनों बेटे भी वहां आ गए। सबको देखकर मालिक लक्ष्मी को छोड़ भागने लगा, लेकिन सब मिलकर उसको पकड़ा और बहुत बुरी तरह से पीटा, और उसने चोरी करने के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। तब से जयराज, मालिनी और लक्ष्मी खुशी खुशी रहने लगे।